हाय फ्रेंड्स, आई एम कशिश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सब लोग मेरी ड्रेस को देखते हुए समझ ही गए होंगे कि आज मैं ड्रेस करने वाली हूँ ओरियो हैक्स। तो ये जो मेरी ब्लैक है वो है ओरियो एंड उसके ऊपर ये वाइट क्रीम है। तो चलो ट्राई करके देखते हैं कुछ ओरियो हैक्स। ट्राई करने जा रही हूँ ओरियो चॉकलेट बॉल्स। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि ओरियोज को किया है क्रश, उसके बाद उसमें डाला है मेल्टेड बटर एंड फिर मेल्टेड चॉकलेट। तो मेरे पास तो लाइक हर्शीज सिरप थी, इसलिए मैंने हर्शीज सिरप को यूज़ किया है एंड फिर उसके ऐसे बॉल्स बना के उसको मेल्टेड चॉकलेट वापस से डिप किया है। सो चलो ट्राई करके देखते हैं कि ये ओरियो चॉकलेट बॉल्स कैसे लगते हैं, बिकॉज इट लुक्स टेम्पटिंग इन द वीडियो। सो लेट्स ट्राई इट आउट। चॉकलेट बॉल्स आर रेडी एंड मेरे पास ये ना स्प्रिंकल्स नहीं थे, इसलिए मैंने कैशियो यूज़ किए हैं इसमें। तो चलो अब खा के देखते हैं कैसा है ये। आई एम गोना ईट द होल पीस। सो गाइस, ये तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इट्स यमी, इट्स टेस्टी एंड हम लोग उसको ना पार्टी से भी खा सकते हैं एंड इसमें लगा सर नो क्रंची टेस्ट भी आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे, इट्स बेस्ट, इट्स अमेजिंग। ये बहुत ही अच्छा हैक है, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट आउट एट योर होम्स। सो इस हैक में मैं ट्राई करने वाली हूँ आइसक्रीम एंड ये कोई नॉर्मल आइसक्रीम नहीं है, इट्स एन ओरियो आइसक्रीम और ये बहुत जल्दी भी बन जाती है। एंड फॉर दिस वी ओनली नीड 2 इंग्रेडिएंट्स, दैट इज मिल्क एंड ओरियो। सो लेट्स ट्राई इट आउट। सो गाइस, फाइनली मेरी आइसक्रीम जो है वो बन गई है एंड मैं आइसक्रीम इसको इसमें निकालती हूँ सीजर की हेल्प से। इस दी आइसक्रीम एंड ये दिखने से तो बहुत ही अच्छी लग रही है एंड इस पर मैं थोड़ी बहुत हर्शीज स्प्रेड करूँगी एंड फिर मैं ऐसे खाऊँगी। दिस इज द हर्शीज। फाइनली मैं ऐसे खाने जा रही हूँ एंड या गाइस, ये आइसक्रीम बहुत ही अच्छी लग रही है। इट्स अमेजिंग, इट्स ऑसम एंड अगर आप लोग ओरियो लवर्स हो तो फिर ये आइसक्रीम आपको लाइक बेस्ट लगेगी। इट्स बेस्ट आइसक्रीम फॉर यू। बहुत ही ईजी है इसे बनाना भी एंड थम्स अप टू दिस हैक। फ्रेंड्स, एक केक बनाने के लिए हमारे घंटों निकल जाते हैं, बट व्हाट इफ के केक जो है वो 1 मिनट में रेडी हो जाए। शॉकिंग ना। सो इस हैक में हमें ओरियो को क्रश करना है, उसके बाद डालना है मिल्क एंड फिर उसको माइक्रोवेव कर देना है। सो लेट्स ट्राई इट आउट कि ये हैक कैसा वर्क करता है। सो फाइनली मेरा ओरियो केक बन चुका है एंड बहुत ज़्यादा इजी है इसे बनाना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि केक इतना जल्दी बन जाएगा, वो भी से वो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स में। सो आई एम गोना टेस्ट इट राइट नाउ। यू कैन सी दिस। वाओ गाइस, ये केक बहुत ही अच्छा लग रहा है, इट्स सो मच यमी। एंड अगर मैं ना इस गरम गरम केक के ऊपर आइसक्रीम डाल के खाऊंगी तो ये एकदम ही बेस्ट लगेगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, इट्स अमेजिंग। फ्रेंड्स, हम कैपेचिनो कॉफ़ी पीते हैं, डेलगोना कॉफ़ी पीते हैं, बट क्या आपने ओरियो कॉफ़ी पी है? सो इस हैक में मैं ट्राई करने जा रही हूँ ओरियो कॉफ़ी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो ब्लैक कॉफ़ी बनानी है। इस वीडियो में ब्लैक कॉफ़ी जो उन्होंने बताया तो नहीं कि ब्लैक वो क्या था, बट आई थिंक इट वॉज अ ब्लैक कॉफ़ी। एंड उसके ऊपर हमें डालना है ओरियो का मिक्सचर। तो ओरियो के मिक्सचर के लिए सबसे पहले हमें ओरियो को क्रश करना है, उसके ऊपर हमें डालना है मिल्क एंड फिर उसे ओवरनाइट सोक करके स्ट्रेन करना है एंड फिर अच्छे से मिक्स करना है। तो हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो जाएगा एंड फिर हमें कॉफ़ी के ऊपर डालना है। सो वैसे हम लोग क्या करते हैं डेलगोना कॉफ़ी के लिए कि हम लोग मिल्क के ऊपर कॉफ़ी का मिक्सचर डालते हैं, बट इस दफ़ा हमें ब्लैक कॉफ़ी के ऊपर डालना है ओरियो का मिक्सचर। तो चलो ट्राई करके देखते हैं कि ये कॉफ़ी कैसी बनती है। ओरियो कॉफ़ी यू नो मैंने 10 मिनट जो वीडियो में ब्लेंडर दिखाया था बैटरी वाला, मैंने उससे किया 10 मिनट्स। मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से वो जो ओरियो का मिक्सचर था उसको ब्लेंड किया, लेकिन पता नहीं क्यों ना ही वाइट कलर आया मिक्सचर का और ना ही मिक्सचर जो वो थिक बना। तो हो सकता है मैंने कहीं पर यू नो कोई मिस्टेक कर दी हो, मैंने शायद मिल्क ज़्यादा डाल दिया या कम डाल दिया, आई डोंट नो। तो आप लोग उसको ट्राई करो एंड मुझे बताओ कि आप लोग से कैसा बना है। अगर आप लोग से अच्छा बना है, वाइट इसका कलर आए या फिर थिक मिक्सचर बने तो मुझे बताना, मैं खुद पर्सनली इसको ट्राई करके वापस से देखूंगी। तो चलो आप पी के देखते हैं इस कॉफ़ी को। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, मैं जो हूँ इतनी ज़्यादा ओरियो लवर नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये जो है वो ओके है। एंड हो सकता है आप लोग को ये कॉफ़ी बहुत अच्छी लगे, बट वन थिंग इज़ दैट कि इट वॉज डिफरेंट है लाइक ओरियो कॉफ़ी। तो या वैसे इट्स ओके। सो गाइस, मैं दोबारा कह रही हूँ कि आप लोग भी इसको ट्राई करो। अगर आप लोग से अच्छी बनती है देन प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं भी इसको पर्सनली वापस से ट्राई कर सकूँ। तो let me know। सो फ्रेंड्स, इस हैक में हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें ओरियो को क्रश करना है, उसके ऊपर हमें डालना है मिल्क एंड फिर उसे फ्रीजर में फ्रीज कर देना है। तो जब उसके क्यूब्स बन जाएंगे उसको हमें डालना है मिल्क में। सो आई थिंक इस काइंड ऑफ लाइक अ मिल्क शेक। वैसे तो हम लोग लाइक मिल्क में चॉकलेट पाउडर डालते हैं, बट इस दफ़ा ओरियो के आइस क्यूब्स। सो चलो देखते हैं कि ये कैसा लगता है। सो ये है मेरा मिल्क एंड ये जो क्यूब्स हैं ओरियो के वो भी रेडी हो गए, यू कैन सी। एंड अब मैं इसके अंदर क्यूब्स को डालूंगी। एंड ये है सेकेंड क्यूब। ओके, मैंने डाल दिया है एंड आई थिंक इसको मिक्स करना है या क्या, मैं थोड़ा इसको मिक्स कर दूँ ताकि अच्छे से नहीं मेल्ट हो जाए अंदर जाके। I think it's like an Oreo milkshake. Okay. So now I'm going to drink this. So guys, इसमें ना थोड़े बहुत Oreo के chunks भी आ रहे हैं and I'm thinking to add 2 more ice cubes of Oreo ताकि Oreo का ज़्यादा taste आए। तो ये दोनों बचे हुए मैं भी डाल दूँ। एंड अब मैं इसको वापस मिक्स कर दूँ। ओके सो गाइज, वन थिंग इज़ दैट कि इसमें अभी भी ओरियो के थोड़े बहुत पीसेस आ रहे हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा इसके टेस्ट। तो गाइज़ इस हैक में हमें क्या करना है कि हमें ओरियो में एक फोक को इस तरह से कुछ इंसर्ट करना है एंड फिर इसे लाइक मिल्क में डिप करके खाना है। तो आई थिंक इसका डे ज़्यादा डिलिशियस हो जाएगा या क्या। सो लेट्स ट्राई इट आउट। Can see. So now I'll be eating it. तो अंदर ही गिर गया मेरा ओरियो। तो okay, and now I'll be eating it. सो फ्रेंड्स, अब ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है एंड मेरे पास अब ये आखिरी ओरियो बच गया है जो आधा टूट गया है। तो मेन तो बस हमें फोर्क इंसर्ट करके देखना है। तो आई थिंक मैं इसी को ट्राई करूँगी बिकॉज मेरे पास और ओरियो है नहीं अभी। सो या थोड़ा सा बस मैंने इंसर्ट किया अभी क्या मेरे से। सो गाइज, अब ये जो ओरियो है नहीं गिरा है। यू कैन सी ओरियो मेरे हाथ में है। हो सकता है कि पहले दो दफ़ा मैंने ओरियो को ज़्यादा डिप कर दिया होगा मिल्क के अंदर, इसलिए वो गिर गया होगा, बट टेस्ट तो इसका अच्छा है। तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ओरियो से इतनी सारी चीज़ें बन सकती हैं। अगर हमें कुछ ठंडा खाने का मूड हो तो हम आइसक्रीम बना सकते हैं, केक बना सकते हैं जो 2 मिनट के अंदर बन भी जाता है, एंड डेजर्ट ये बना सकते हैं ओरियो से। एंड आप लोग भी ये हैक्स ट्राई कर सकते हो एंड हो सकता है कि आप लोग उसको मुझसे बेटर कर पाओ एंड आप लोग ज़्यादा अच्छे भी लगे ये हैक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय।